So, what's up YouTube? This is Gautam and I am presenting you Wrestling Mania. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Royal Rumble Pay-Per-View के बारे में जो कि हमें देखने को मिलेगा 27th of January 2019 को. अब जैसा कि गाइस आपको पता है कि हमें हर साल Royal Rumble Pay-Per-View में एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिलता है जो कि होता है 30 सुपरस्टार के बीच में एक Royal Rumble मैच और जो भी सुपरस्टार इस Royal Rumble मैच को जीतता है उसको फ्यूचर में एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है WrestleMania के अंदर. तो इस साल हम कुछ ऐसे चार सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जो कि हमें Royal Rumble Pay-Per-View में अपना सरप्राइज एंट्रेंस करते नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ उनके सरप्राइज एंट्रेंस से WWE ने फैंस को एक बहुत बड़ा शॉक भी दे सकती है. सो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं मत जाइएगा. सो वेट किस बात का, वीडियो को शुरू करते हैं. सो फोर्थ नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं हमारी लिस्ट में, और भैया ये आते हैं द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल. अब यहाँ कर्ट एंगल की बात करें तो लास्ट टाइम कर्ट एंगल ने रॉ में पार्टिसिपेट किया था बैरन कॉर्बन के अगेंस्ट, और पेपर-व्यू की बात करें तो भैया कर्ट एंगल को लंबाई बीत गया पेपर-व्यू में पार्टिसिपेट किए, जहां मैं बैक इन अप्रैल या WrestleMania 34 में देखा था कर्ट एंगल को पार्टिसिपेट करते हुए. साथ ही जिस तरह की WWE की रेटिंग्स जा रही है ऐसे में कर्ट एंगल का सरप्राइज एंट्रेंस करना काफी हद तक WWE की रेटिंग्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है. साथ ही कर्ट एंगल का जिस तरह का इनरिंग टैलेंट है उसके चलते यहाँ कर्ट एंगल अगर हमें रॉयल रंबल पेपर-व्यू में पार्टिसिपेट करते नजर आते हैं तो ऐसे में कर्ट एंगल इस रॉयल रंबल मैच में काफी बड़े धमाके मचा सकते हैं. साथ ही साथ अगर WWE यहाँ कर्ट एंगल के लिए कोई स्टोरी लाइन एंगल क्रिएट करती है WrestleMania 35 में तो ऐसे में इसके बीच भी हमें बोते हुए नजर आने वाले हैं रॉयल रंबल मैच में, क्योंकि गाइस जैसा कि हमें पता है कि रोड टू WrestleMania स्टार्ट हो जाएगा रॉयल रंबल पेपर-व्यू में, तो ऐसे में यहाँ पर WWE कर्ट एंगल की एक बढ़िया स्टोरी लाइन बना सकती है उन्हें रॉयल रंबल मैच में उतार के. इसके बाद में अगले सुपरस्टार की बात करें तो भैया ये आते हैं थर्ड नंबर पर, और ये है द फीनॉम द अंडरटेकर. अब जैसा कि हमें पता है कि अंडरटेकर साल में सिर्फ WrestleMania में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर 2018 ईयर की बात करें तो यहाँ पर काफी उल्टा हुआ, जहां हमने अंडरटेकर काफी लाइव इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते देखा. साथ ही साथ हमने सुपर शोडाउन और क्रॉन ज्वेल में भी देखा था कि अंडरटेकर ने रिंग में काफी धमाके मचाए थे, तो ऐसे में यहाँ पर काफी हाई चांसेस बनते हैं अंडरटेकर के पार्टिसिपेट करने के रॉयल रंबल मैच में. और अगर भैया यहाँ पर WWE अंडरटेकर के लिए WrestleMania 35 में कोई मैच बनाना चाहती है तो ऐसे में रॉयल रंबल मैच में अंडरटेकर को उतारना WWE काफी हाई पॉसिबिलिटी वाली बात बन जाएगी. साथ ही साथ जैसा कि हमने रॉयल रंबल 2017 में भी देखा था कि वहां पर अंडरटेकर को रोमन रिंग्स ने एलिमिनेट कर दिया था, जिसके बाद में हमें अंडरटेकर वर्सेस रोमन रिंग्स के बीच में एक स्टोरी लाइन क्रिएट होती हुई दिखाई दी, और WrestleMania 33 में हमने इन दोनों सुपरस्टार के बीच में मैच भी देखने को मिला था. तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है इस साल रॉयल रंबल पेपर-व्यू में. और जैसा कि गाइस हमें पता है कि अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के बीच में काफी हाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमें मैच देखने को मिल सकता है, ऐसे रूमर्स भी है कि हमें अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के बीच में WrestleMania 35 में मैच देखने को मिलने वाला है. तो ऐसे में यहाँ पर WWE कुछ ऐसा क्रिएट करेगी रॉयल रंबल मैच में जिससे हमें ये स्टोरी लाइन एंगल क्रिएट होते हुए दिखाई दे फ्यूचर के अंदर, और WrestleMania में हमें दोनों सुपरस्टार के बीच में मैच देखने को मिल जाए. अब सेकंड नंबर पर हमारी लिस्ट में जो सुपरस्टार आते हैं भैया वो है द हार्टब्रेक किड शॉन माइकल्स. अब गाइस यहाँ मैंने शॉन माइकल्स को इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमें शॉन माइकल्स लास्ट टाइम क्रॉन ज्वेल में देखने को मिले थे, जहां उन्होंने अपना इनरिंग रिटर्न किया था 8 साल के बाद में. साथ ही प्रेजेंट टाइम में WWE का काफी बुरा हाल चल रहा है, जहां रोमन रिंग्स भी नहीं है, WWE अपनी ल्यूकेमिया वाली बीमारी से सफर कर रहे हैं, साथ ही साथ रेटिंग्स की बात करें तो भैया पूरी नैया डूबी हुई है. और जैसा कि हमें पता है कि विंस मैकमैन ने ये अनाउंसमेंट भी की थी कि रॉ में कि हमें जनवरी के मंथ में काफी बड़े सरप्राइजेस और फ्रेश स्टार्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे में WWE अपने फैंस को शॉक देने के लिए शॉन माइकल्स को रॉयल रंबल मैच में उतार सकती है. और अगर यहाँ WWE अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का मैच करवाना चाहती है जैसे कि मैंने आपको भी बताया था WrestleMania 35 में, तो इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी बनती है हमें रॉयल रंबल मैच में शॉन माइकल और अंडरटेकर का फेस ऑफ भी देखने को मिल सकता है. अब आखिरी सुपरस्टार की बात करें तो भैया ये आते हैं हम सबके फेवरेट द रॉक. अब गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि केज साइड सीट्स की जो बैटिंग आउट्स है उनमें रॉक को थर्ड फेवरेट बताया रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए, और अगर WWE WrestleMania 35 में रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच करवाना चाहती है तो यहाँ रॉयल रंबल मैच में रॉक देखने को मिल सकते हैं. साथ ही साथ रॉक को हमने लास्ट टाइम WrestleMania 32 में देखा था WWE में, तो ऐसे में यहाँ पर काफी लंबा टाइम बीत गया कि हमने रॉक को WWE में नहीं देखा, और ऐसे में अगर यहाँ हमें रॉक देखने को मिलते हैं रॉयल रंबल मैच में तो भैया ये एक बंपर वाला धमाका होगा, और इससे WWE को भी काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और ऐसे में हमें काफी बड़े और तड़केदार स्टोरी लाइन्स भी देखने को मिलेंगे WWE में WrestleMania के टाइम तक. सो गाइस ये थे वो चार सुपरस्टार जो कि हमें सरप्राइज एंट्रेंस करते नजर आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि हमें शॉकिंग एंट्रेंस देखने को मिल सकता है इनका. आपके क्या थॉट्स है, आपको कौन से चार सुपरस्टार लगते हैं कि हमें रॉयल रंबल पेपर में वो पार्टिसिपेट करते नजर आ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको WWE की रेगुलर अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग ओपिनियन जानने को मिलते रहे. सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो.